हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हेमंत द ईडी गुरु में। और आज हम लेके आए हैं नट बोल्ट और वॉशर की असेंबली। तीनों को हमें इन नट और वॉशर को जोड़ना है बोल्ट में, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और यदि ये पसंद आए तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा और लाइक करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लें और उसके बराबर में राइट हैंड साइड पर जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको तुरंत मिल सके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं नट बोल्ट और वॉशर की असेंबली। तो जो नट है वो हेक्सागोनल है, बोल्ट भी हेक्सागोनल है और वॉशर हमेशा गोल होता है। तो देखिए ये है हेक्सागोनल बोल्ट, ठीक। ये है हेक्सागोनल नट या ढिबरी बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये है वॉशर। तो इन दोनों को हमें जोड़ना है इसमें, ठीक है। तो पहले हम क्या डालेंगे, इसमें डालेंगे वॉशर, ठीक। उसके बाद पीछे से लगाएंगे हम नट, इस तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया इस तरीके से नट बोल्ट और वॉशर की असेंबली। तो हमें इस असेंबली को इस तरीके से रखना है। तो अगर मैं इसको यहां से देखूंगा तो ये फ्रंट कहलाएगा, ऊपर से देखूंगा तो टॉप कहलाएगा, और यदि मैं राइट साइड से देखूंगा तो वो कहलाएगा राइट साइड व्यू। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम बनाएंगे तो ये बनेगा साइड व्यू इसका उल्टे हाथ पे, ठीक है। टॉप के साइड के बराबर बनेगा फ्रंट व्यू और उसके नीचे बनेगा टॉप व्यू, ठीक है। तो हेक्सागोनल वाले केस में, अब मैं जरा इनको खोल रहा हूं, इस वॉशर का जो डाया होगा, मतलब यहां से जो यहां तक की दूरी होगी वो डाया कहलाएगी, आउटर डायमीटर कहलाएगा। इसका फॉर्मूला होता है 2d+3। किस केस में, हेक्सागोनल वाले केस में। जब आप बोल्ट आपका स्क्वायर होगा तो उस केस में इसका डाया कुछ और होगा। अगर आप इस डाया से काम करेंगे तो कट जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे कटेगा, जब कटेगा तो उस कंडीशन में क्या करना है। लेकिन हेक्सागोनल वाले केस में इसका हम डाया लेंगे 2d+3, यहां से यहां तक की दूरी। इसका जो व्यास होगा वो d से हल्का सा ज्यादा होगा, क्यों, ताकि ये वॉशर इसमें आराम से आ सके, ठीक है। अगर d इसके बराबर हो गया इसका अंदर का डायमीटर तो एकदम फंस के आएगा, टाइट आएगा, ठीक है। तो हम हल्का सा इसका जो व्यास है बढ़ा देते हैं, जैसे कि d+1। मान लो d 40 लिया है तो 41 होगा इसका डायमीटर अंदर वाले का, ठीक है। तो मैं आपको रफली ड्राइंग फिलहाल बना रहा हूं और उसमें हम लिखेंगे डायमेंशंस, उसके बाद हम इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको इसकी रफ ड्राइंग दिखाता हूं। देखिए ये है इसका रफ व्यू, ये है साइड, ये है फ्रंट और ये है टॉप, ठीक है। तो ये तो हमें पता ही है कि जैसा हम नट का टॉप व्यू बनाएंगे वैसा ही बोल्ट का साइड व्यू होगा। तो हेक्सागोनल है शेप, तो हेक्सागन और अंदर बनेंगे तीन गोले, ये हम ऑलरेडी समझ चुके हैं इस चीज को, ठीक है। उसके बाद ये हो गया बोल्ट और ये है नट और ये है ढिबरी, सॉरी वॉशर है, ये क्या है, ये वॉशर। तो ये पता ही है, जो हमारा बोल्ट का हेड होगा उसकी मोटाई 0.8 × d होती है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी होगी, जितनी इस नट की होगी, ठीक है। और ये कितना होता है w, क्या होता है ये w होता है, ठीक है।
ये है हमारी डिबरी, कहां से, यहां से लेके यहां तक, तो ये होगा कितना 2D+3। यहां से लेके यहां तक जो डिवरी का, सॉरी वाशर, जो वाशर है उसका आउटर डायमीटर, ये आउटर यहां से लेके यहां तक, तो ये कितना होगा 2D+3 होगा वाशर का, ठीक है। ये कितना होगा, जितना ये साइज होगा, तो बोल्ट का हेड और नट दोनों होंगे सेम साइज के, ये W है तो ये भी W होगा, ठीक है। ये हो गई यहां से यहां तक की L, L बराबर क्या होता है 3D होता है, तो यहां भी L बराबर 3D रहेगा। ये होगा L1, इसकी लंबाई क्या होती है 2D+5 होती है, वो हम कर लेंगे कैलकुलेट, ठीक है। ये कितना होता है, ये देखिए ये कितना होता है नट वाले केस में, ये H बराबर D होता है, तो ये कितना होगा H बराबर D, ठीक है। चाप कितने के लगते हैं, 1.4 × D के, R बराबर 1.4 × D होता है, तो जो हम चाप निकालते हैं जिस तरीके से, उसी तरीके से यहां भी निकलेगा। ये ध्यान रखना, अगर यहां पर दो फेस हैं तो आप यहां भी दो फेस रखिए, यहां पर तीन फेस हैं तो यहां भी तीन फेस, देखिए यहां पर तीन फेस आ रहे हैं, यहां भी हम बोल्ट के नट के तीन फेस रखेंगे, यहां पर सॉरी थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये चाप इधर लगेंगे इसके, ठीक है, ये चाप यहां लगेंगे, ये चाप गलत है, ठीक है, तो ये चाप इधर लगेंगे बोल्ट के, सॉरी नट के चाप लगेंगे हम सीधे हाथ पे, और बोल्ट के लगेंगे उल्टे हाथ पे, इस तरीके से दोनों एक दूसरे के अपोजिट। फिर सुन लीजिए, बोल्ट के उल्टे हाथ पे और नट के सीधे हाथ पे, ये चाप आप नहीं लगेंगे, यहाँ ठीक बनाया हमने, तो ये देखिए बोल्ट के सीधे उल्टे हाथ पे हैं और नट के सीधे हाथ पे, तो ये जो नट की चौड़ाई होगी ये कितनी होगी, एच बराबर डी, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यदि आपको नट का वीडियो, ये नट के कॉन्सेप्ट समझने हैं, तो आप मेरा षटभुजाकार ढिबरी वाला वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है। तो अब हम इसको प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, तो चलिए। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर जो डी की वैल्यू ले रहे हैं वो ले रहे हैं 30 मिलीमीटर, तो क्या है 30 मिलीमीटर, इसका व्यास, ये हम बोलते हैं बोल्ट की बॉडी। तो जो आपको डी दिया होता है वो ये दिया होता है बोल्ट वाले केस में, और नट वाले केस में जो डी होगा वो ये होगा बीच का सर्किल, समझ में आई बात। तो सबसे पहले हम डब्ल्यू निकालेंगे, तो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी 48 मिलीमीटर, तो 48 डाया का एक हम सर्किल खींचेंगे, तो उसके लिए 48 का था कितना हुआ 24, 2.4 सेंटीमीटर रेडियस का एक हम सर्किल खींचेंगे, तो ये हो गया डब्लू व्यास का एक सर्किल, ठीक है। अब अंदर जो सर्किल बनेगा वो, उसका व्यास डाया कितना होगा 30 होगा, तो 1.5 सेंटीमीटर रेडियस लेके हम एक गोला अब खींचेंगे, ठीक है। तो हमने कंपास में 1.5 सेंटीमीटर की दूरी ली, और इसी को हम सेंटर पॉइंट मानेंगे, ये हो गया डब्ल्यू डाया, सॉरी डी डाया का सर्किल। अब जो अंदर वाला सर्किल होगा वो कितना होगा 70%, 75% डी का, तो ये निकलेगा 22.5 मिलीमीटर। मेरी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है, इन सबको आप खुद से भी कैलकुलेट करके चेक कर लें कि क्या हमारा वास्तव में ये आ रहा है, क्योंकि ये मैं जो आपको सीधे वैल्यू बोल रहा हूँ ये मैंने खुद से कैलकुलेट की है, ठीक है।
तो स्मॉल डी जो अंदर आने वाला है व्यास, उसका जो व्यास निकल के आया है वो है 22.5। ठीक है, तो मैं 22.5 का आधा करेंगे 11.25, तो मैं 1.3 ले रहा हूँ। कितनी ले रहा हूँ? 1.3। तो मैंने 1.3 की रेडियस कंपास में ली, ठीक है, और एक सर्किल मैंने इसको अंदर बना दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बाहर वाले सर्कल पर बनाएंगे एक हेक्सागन। तो उसके लिए मुझे एक दो क्या खींचनी होंगी, सेंटर लाइन खींचनी होंगी। तो एक लाइन में खींचूंगा हॉरिजेंटल और एक खींचूंगा वर्टिकल। इस तरीके से लाइन खींची। अब हम क्या बनाएंगे बाहर, हेक्सागन। तो हेक्सागन की जो एक आर्म होगी वो डी के बराबर होगी। तो जो भी डी होगा आधा इस बिंदु के लेफ्ट में होगा, आधा इस बिंदु के राइट में होगा। और डी कितना है हमारा, 30। तो यहां से 1.5 सेंटीमीटर इधर और 1.5 सेंटीमीटर इधर। तो हमने इस तरीके से दो लाइन खींची हॉरिजेंटल, एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से। और यहाँ दोनों तरफ हमने 1.5 सेंटीमीटर पे निशान लगा दिया, 15 मिलीमीटर इधर और 15 मिलीमीटर इधर। ऐसे ही 15 मिलीमीटर इधर और 15 मिलीमीटर इधर। अब हम इन्हीं बिंदुओं से खींचेंगे टेंजेंट, तो जो इस सेंटर लाइन पर कहीं मिलेंगे। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, ये हल्का सा रह गया है, मैं इसको मिटो नहीं रहा हूं, क्योंकि अगर मिटोएंगे तो कुछ ठीक है। अच्छा, ये बन गया हेक्सागन। अब हम इस साइड को भी डार्क कर देंगे। और इस साइड को भी डार्क कर देंगे। और ये जो हम एक्स्ट्रा लाइन खींची है, हम इसको मिटा देंगे। ठीक है, तो ये बन चुका है, क्या बोलते हैं, नट प्लस बोल्ट दोनों का कंबाइंड साइड व्यू। क्योंकि दोनों का साइज सेम रहेगा, जैसे कि बोल्ट का ये साइज और नट का ये साइज, जब दोनों ऐसे रखे जाएंगे इस तरीके से, तो ये साइज और ये साइज दोनों एक जैसे होंगे। तो अगर मैं इस यहां से देखूंगा तो ये राइट साइड है, तो राइट साइड से देखूंगा तो बनेगा ये लेफ्ट साइड में। तो अभी हमने यहां पर क्या वॉशर नहीं लगाया है, वॉशर को हम लगाएंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल हम केवल क्या कर रहे हैं, नट और बोल्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, बोल्ट का साइड व्यू या नट का साइड व्यू या दोनों का कंबाइंड साइड व्यू। ठीक है, अब चूंकि ये लेफ्ट साइड व्यू है, सॉरी राइट साइड व्यू है, बना लेफ्ट साइड में है, तो अब हम यहां से लाइन खींचेंगे सीधे हाथ की तरफ फ्रंट व्यू के लिए। ठीक है, तो कितनी लाइन खींचेंगी, एक इस बिंदु से, एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु से। तो टोटल बने जाएंगे 3 लाइन और बनेंगे 2 फेस, एक फेस यहां से यहां तक का बनेगा और एक फेस यहां से यहां तक का। अब यदि यही लाइन हम ऐसे खींचते तो बनते 3 फेस। तो आप उसको ट्राई करिएगा, क्या ट्राई करना है इसमें, इस जो हमने लाइन खींची है इसको आपको वर्टिकली बनाना है और देखिएगा क्या अंतर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल मैंने ऐसे बनाया है, और इस वीडियो को देखने के बाद, इसको हाथ से बनाने के बाद, तब आपको वर्टिकल लाइन खींचनी है ताकि आपको आपको अंतर साफ साफ दिखाई दे। तो मैं 3 लाइन खींच रहा हूं इन बिंदुओं से। ठीक है, ये हो गई 3 लाइन।
हम यहाँ पे एक खींचेंगे वर्टिकल लाइन, ठीक है, कितनी भी दूरी पे। तो ये हमने खींची वर्टिकल लाइन, अब यहां से कुछ दूरी पे हमने निशान लगाया, तो यहां से शुरुआत होगी किसकी, फ्रंट व्यू की, ठीक है। तो ये आप नाप के लगाएंगे, हमने ये गैप छोड़ा है 1 सेंटीमीटर का, तो यहां भी दूरी 1 सेंटीमीटर की आएगी। तो इस 1 सेंटीमीटर की दूरी को मैंने भरा प्रकाल में यहां से, और इस बिंदु से यहाँ पे चाप लगा दिया और इन दोनों को मैंने मिला दिया, ठीक है। अब जो बोल्ट की जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, देखो जीरो पॉइंट एट इंटू डी, यहां से यहां तक की दूरी, तो यहां से यहां तक की दूरी 0.8 इंटू डी होगी, और हमने इसको निकाला और आंसर आया है 24 मिलीमीटर। तो मैं 2.4 सेंटीमीटर की यहां पर लाइन खींच रहा हूं, कितने की, 2.4 सेंटीमीटर। तो ये 1, ये 2 और 4 पॉइंट आगे, ठीक है। ऐसे ही अब मैंने इस दूरी को प्रकार में नापा, इसको सेंटर लिया और निशान लगा दिया। तो ये दूरी भी कितनी आ गई, 2.4 की आ गई, और इन दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, अब इस बोल्ट की मोटाई कितनी होती है, इस हिस्से की, डी होती है। क्या होती है, डी। तो डी हमारा ये वाला है, तो हम यहां से लाइन खींचेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमने डीसी लाइन खींची। अब यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, एल होती है, और एल बराबर 3 डी होता है। तो हमने किया कैलकुलेट, आंसर हमारा कितना आया, 90 मिलीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, और इसको फिर डार्क कर देंगे। ये बन गया एक तरीके से बोल्ट, ठीक है। अब हम क्या बनाएंगे यहां पर, नट। तो नट रखेंगे हम यहां से 1 सेंटीमीटर आगे, ठीक है। तो मैंने यहां क्या किया, 1 सेंटीमीटर की दूरी पे निशान लगा लिए, तो यहां से बनेगा अब नट। तो एक तरीके से क्या मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कुछ, ये रहा इस तरीके से, ये हिस्सा है ये वाला। तो ये जो नट है इससे 1 सेंटीमीटर हमने आगे किया है, तो ये लाइन है ये वाली, ठीक है। तो ये कितनी दूरी है, 1 सेंटीमीटर की। अब नट की चौड़ाई कितनी होती है, एच बराबर डी, या पढ़ चुके हैं उसमें नट वाले केस में। तो हम अब डी कितना है, 30, तो यहां से 3 सेंटीमीटर की दूरी पे हम निशान लगाएंगे। दस बीस तीस, इसको मिला दिया, ठीक है। तो कितने फेस बन रहे हैं, दो, एक यहां से लेके यहां तक और एक यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक का हिस्से का मिडिल पॉइंट निकालेंगे, फिर यहां से यहां तक का मिडिल पॉइंट निकलेगा, लाइन खींचेंगे। तो पहले हम मिडिल पॉइंट निकालते हैं, देखते हैं कि सही आ रहा है क्या। 10, 20, 46 है, ठीक, 23 पे आ रहा है। तो हमें चाप मेथड से इसका मध्य बिंदु निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आधे से ऊपर की दूरी प्रकार में लेते हैं, ये
एक चाप यहाँ लगाया और एक चाप यहाँ लगाया, और हमने यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल में ली, एक चाप इधर लगाया और एक चाप इधर, ठीक है। और इन दोनों बिंदुओं को एक सीध में लिया, ये आ गया, ठीक है। और हमने इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींची। अब 1.4 इंटू डी निकाला हमने, ठीक है। तो 1.4 डी कितना है, 42 मिलीमीटर, तो 4.2 सेंटीमीटर की हमने दूरी ली। त्रिकाल में अब इसको हमने सेंटर माना, ये अब यहां से हमने लिया इसको सेंटर, ये हुआ चाप ये वाला, ठीक है। सेम काम हमें यहां भी करना है, तो हम देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं, इस यहां से यहां तक की दूरी त्रिकाल में ली, या यहां से यहां तक तो बराबर आएंगे दूरी, ठीक है। ये दूरी ली और इसी को सेंटर मान के एक चाप हमने यहां लगा दिया, और इसी दूरी से चाप हमने यहां भी लगा दिया, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने मिलाया, और हमने प्रकार में फिर से किसकी दूरी ली, 2.4 की दूरी ली, सॉरी 4.2 की दूरी ली, और प्रकार को हमने यहां पे रखा और एक चाप हमने यहां पे लगा दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइनों को डार्क कर देंगे, और इस लाइन को आप मिटो देंगे, इसको ठीक है। और दूसरी बात, जो लाइन बोल्ट के बीच में आ रही है, उसको भी आप मिटो देंगे, जैसे कि ये जो लाइन डी की आ रही है, केवल ये लाइन रखेंगे आप डार्क, जो इसके फेस बना रही है ये लाइन, तो अभी हमने केवल बोल्ट और नट बनाया है, ठीक है। चाप यहां भी लगेगा, तो देखो हमने दूरी भर रखी है, इतना कंफर्म है कि अब चूंकि जब दोनों का साइज बराबर है तो दोनों के मिडिल पॉइंट भी बराबर दूरी पे होंगे, ठीक है। तो नट का चाप लगा सीधे हाथ पे और बोल्ट का जो चाप लगेगा वो लगेगा उल्टे हाथ पे, ये हम पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी लाइन को हमने हल्का सा और बढ़ा दिया, तो ये आ गया इसका मध्य बिंदु। ऐसे ही आप इस लाइन को अगर तक आगे तक बढ़ा दोगे तो ये आ जाएगा इसका मध्य बिंदु, ठीक है। तो हमने ये दूरी ऑलरेडी भर रखी है, ठीक है। और हमने इसको पॉइंट लिया, ये चाप यहाँ लगाया, और हैंड टू हैंड हमने ये चाप यहाँ लगाया, ठीक है। अब हमने इसको केंद्र माना, ये चाप यहाँ लगाया, इसको केंद्र माना और ये चाप यहाँ लगाया, तो देखिए दोनों चाप मिल रहे हैं आपस में,
ये कंप्लीट हो गया नट बोल्ट, अब लगाना है वाशर। तो हम क्या करेंगे, वाशर को हमने अंदर लिया, ये हमें वॉशर को जो है नट से चिपकाना है इस तरीके से। तो देखिए, तो इस नट से ये वॉशर लगा हुआ है एकदम, तो हम भी इस वॉशर को लगाएंगे। तो वॉशर का जो डाया होता है आउटर, ये वाला कितना होगा, कितना लिखवाया था मैंने, 2D+3। तो हमने 2D+3 की डिस्टेंस निकाली, ये आई थी 63। तो ये तो डायामीटर निकला, और तो 63 का हम आधा ऊपर लेंगे आधा नीचे लेंगे। तो 63 का आधा हमने आधा किया, तो क्या लिया, क्या है, तो 6.3 ये आया हमारा 3.15, 31.5। तो मैं 3.2 लेकर चल रहा हूँ, तो 3.2 की दूरी ऊपर और 3.2 की दूरी नीचे। तो 1, 2, 3 और 2 पॉइंट ऊपर, वन टू थ्री और टू पॉइंट ऊपर। अच्छा, अब जो वॉशर की मोटाई होगी, मतलब ये चीज, इसकी होगी ये फॉर्मूला 0.12 × d, ठीक है। तो हमने इसको कैलकुलेट नहीं किया है, हम करते हैं 0.12 × d है कितना, 30 बरत या 36, तो ये आया 3.6 मिलीमीटर। तो 0.36, तो हम 0.36 सेंटीमीटर आया, तो हम ले रहे हैं 0.4, कितना 0.4 मीटर ले रहे हैं इसकी मोटाई। ऐसे ही 0.4 हमने यहां से ली, और दोनों को हमने मिला दिया, तो ये बन गया वाशर इस टाइप का। तो ये हो गया नट, ये हो गया वाशर, ये हो गया नट, ये हो गया वाशर। अब ये वाशर हमें साइड से भी दिखाई देगा, ये देखिए, तो इसका जो व्यास है इससे बड़ा है या नहीं, जो सर्किल आपको दिखाई देगा ये रहा, एक आपको सर्किल दिखाई दे रहा है ये वाला बाहरी, तो इसकी दूरी कितनी होगी यहां से लेके यहां तक की, तो इतनी दूरी को हमने प्रकाल में भरा, अब इसको हमने सेंटर लिया, चैप लगाया, तो ये बन गया सर्किल वॉशर के लिए। अब कंप्लीट हुआ है साइड व्यू विद वॉशर, पहले केवल नट बोल्ट था, अब वॉशर भी इसमें आ चुका है, ठीक है। अब हम बनाएंगे साइड व्यू, तो साइड व्यू के लिए हम एक एक्सवाई लाइन खींचेंगे और 45 डिग्री की लाइन खींचेंगे। तो देखिए, इस तरीके से हमने हर बिंदु से लाइन खींची है, चाहे वो वॉशर हो या नट बोल्ट का हेक्सागन हो। तो देखिए, ठीक है, और हम इन बिंदुओं को इधर लाने के बाद ले गए राइट साइड पे, क्योंकि यही बनेगा टॉप व्यू फ्रंट के जस्ट नीचे, आराम से देख लीजिए, ठीक है। अब हम फ्रंट की लाइनों को नीचे लेके आएंगे, फिर कितनी आ जाएंगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 1, 6, तो 6 की 6 लाइन नीचे की तरफ आएंगी। तो देखिए हमने किया क्या है,
इन लाइनों को हम सीधे हाथ पर ले गए और इन लाइनों को हम नीचे लेके आ गए। तो जो फ्रंट में इस बोल्ट की हाइट होगी, मोटाई होगी, वही मोटाई टॉप से भी दिखाई देगी। जो मोटाई आपको टॉप से दिखाई, फ्रंट से दिखाई देगी, वही मोटाई टॉप से दिखाई देगी। तो ये लाइन इसके नीचे, ये लाइन इसके नीचे। जो वॉशर की मोटाई आपको फ्रंट से दिखाई देगी, वही वॉशर की मोटाई टॉप से भी दिखाई देगी। ये लाइन इसके नीचे और ये लाइन इसके नीचे, ठीक है। जो नट की हाइट या नट की चौड़ाई कुछ भी मान सकते हैं इसको, ये होगी वही ये होगी। और जितना हमने 1 सेंटीमीटर इधर लिया था, वही 1 सेंटीमीटर इधर होगा। और हमने क्या किया है, बोल्ट के इन हिस्सों को डार्क कर दिया है। यहां से यहां तक की दूरी कितनी डी होती है, तो वही डी यहां से यहां तक होगी, ठीक है। अब हमें क्या लगाने हैं, चाप। तो इस फेस में दो थे, तो यहां पर लगेंगे तीन, एक यहां से यहां तक, दो यहां से यहां तक और तीसरा यहां से यहां तक। सेम, एक यहां से यहां तक, एक यहां से यहां तक और एक यहां से यहां तक। त्रिज्या सबकी होगी 1.4 × d। तो 1.4 × d कितना था, 42, 4.2 सेंटीमीटर। तो फिर से हम प्रकार में 4.2 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे, फाइव और टू। तो ये हमने प्रकार में हम फिलहाल दूरी ले रहे हैं ये, ठीक है। तो पहले हमने प्रकार को यहां पे रखा और ये, ठीक है। और ये लगाया हमने चाप, सेम काम हम यहां भी कर दें, तो एक चाप दूसरे काम कर जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इन बिंदुओं की सीध में एक लाइन खींच देंगे दोनों तरफ। जो काम हमने यहां किया वही काम यहां भी, ठीक है। अब हम यहां से 30 डिग्री का एंगल बनाएंगे, कितने डिग्री का, 30। तो मैंने काम आपको बोर्ड में शायद समझाया होगा, नहीं समझाया है तो देख लीजिएगा इस हिस्से के चाप लगाने कैसे लगेंगे। और हमने इसको इससे मिला दिया, केवल डार्क करेंगे यहां से लेके यहां तक। सेम काम हमने यहां भी किया, ये 30 डिग्री का लगाया, इसको यहां तक मिला गया, ठीक है। अब हम हाथ से इसी लाइन के पैरेलल ये लगा दिया, ठीक है। फिर देखिए हम अभी हम काम करते हैं, इधर का चाप इधर की तरफ, इधर का चाप इधर की तरफ, ये हुआ। इसको इधर से मिलाया और इधर का चाप इधर मिलाया, ठीक है। और हमने कर्व शेप में इसको ऐसे लेके आए और ये लाइन भी आप डार्क करेंगे, ठीक है। अब सेम काम हम यहां करेंगे। तो इस तरीके से कंप्लीट हो चुका है, बोल्ट का हेड, नट और ये हो गया वॉशर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में हम मिलेंगे स्क्वायर बोल्ट, पहले हम बनाएंगे स्क्वायर बोल्ट, क्योंकि वो अभी तक हुआ नहीं है। हेक्सागोनल नट हो चुका था, हेक्सागोनल बोल्ट हो चुका था, इसलिए हमने इसकी असेंबली कर दी थी। तो अगले लेक्चर में हम आपको बनाना सिखाएंगे स्क्वायर बोल्ट। तो तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।